सच बताइए, क्या किसी ने कभी आपके हेयर स्टाइल से आपको जज किया है? किया है ना? टाइट बंधा हुआ जूड़ा हो तो मतलब बॉसी हो आप, और खुले हुए ओछे हुए बाल हो तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती आप? और ये बताइए कि छोटे बालों को भला बॉयकट क्यों बोला जाता है? ये कोई सामाजिक रूल है क्या कि छोटे बालों से गर्ल्स को नहीं जाना जाता है? क्यों ये सोसाइटी के लेबल्स हमारा कैरेक्टर डिफाइन करते हैं? टाइट क्लीन स्लीक हेयर स्टाइल में हम आपको बॉसी क्यों, क्लासी क्यों नहीं लगते हैं? खुले हुए उलझे हुए बाल आखिर केयरलेसनेस का सिंबल क्यों? ये लेबलिंग अगर आपको करनी भी है तो हम औरतों के लिए ये हमेशा नेगेटिव क्यों? So my dear women, चाहे आपके बाल पतले हो, घने हो या स्ट्रेट या कर्ली, याद बस इतना रखना कि आपका जज्बा मैटर करता है, सोसाइटी का ओपिनियन नहीं। आपके बाल आपकी जड़े हैं, आपके पंख हैं, वैनिटी और लेबल से कई कोसों दूर। बस डाबर आमला तेल से चंपी करते रहो और इन्हें अपनी इनर स्ट्रेंथ बनकर रहने दो, बिकॉज स्ट्रॉन्गर हेयर विल ऑलवेज लीड टू अ स्ट्रॉन्गर स्पिरिट एंड अ स्ट्रॉन्गर यू। डाबर आमला, stronger hair, stronger you.